नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। प्रतापगढ़ के दरियावद में गणपति विसर्जन के दौरान दो लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये मामला दरियावद के नलवा गांव का है, जहां पिछले 10 दिनों से गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस दौरान देर शाम 35 वर्षीय युवक शांतिलाल सालवी की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई। गणपति विसर्जन में उसी गांव का 13 वर्षीय बालक दिनेश मीणा भी गया था, जो देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। वहीं सुबह विसर्जन स्थल पर नदी में 13 वर्षीय बालक दिनेश की लाश मिली। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से अब तक खेतों में खराब फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट में की जा रही देरी को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय मांडलगढ़ के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चूरू के सरदार शहर के गांव बायला में बाइक की चाबी देने से मना करने पर दो लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे गांव में दहशत का माहौल हो गया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बरवाड़ा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होने पर झगड़ा हो गया, जिसमें महिला का पति मंगतू सिंह घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि खेत से काम करके बरवाड़ा चौक की ओर आया था, तभी पत्नी घर बुलाने आई। इसी दौरान राजू और रिंकू बाइक से आए और मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। जब उनको मना किया गया तो झगड़ा करने को उतारू हो गए, वहीं उन्होंने सर पर लाठी और फरसे से हमला कर दिया। लाडपुरा विधायक भवानी सिंह राजावत के आबादी क्षेत्र में घुसने वाले मगरमच्छों को गोली मारने के बयान का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब कोटा विश्वविद्यालय के कुलसचिव संदीप चौहान ने राजावत की बात का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने मगरमच्छों को तोप से उड़ाने का विवादित बयान दे डाला। कुलसचिव राजावत से दो कदम आगे बढ़कर बोले कि गोली से नहीं, मगरमच्छों को तोप से उड़ा देना चाहिए। इससे पहले राजावत के बयान की आलोचना भी हुई थी। कोटा में महाराज उमेश सिंह द्वितीय की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक भवानी सिंह राजावत भी मौजूद थे। इस दौरान मंच पर बोलते हुए कोटा विश्वविद्यालय के कुलसचिव संदीप चौहान ने मगरमच्छों को तोप से उड़ा देने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के ठिकानों पर छापे मारे, वहीं अभी भी विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि चेतक सीमेंट के मालिक आंजना कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं डेढ़ दर्जन से ज्यादा ठिकाने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। सीकर जिले के नीमका थाना स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर छापा मारकर जांच की गई। एसीबी टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृथ्वीराज मीणा के नेतृत्व में एसीबी की टीम नीमका थाना स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृथ्वीराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक परिवाद एसीबी कार्यालय में दर्ज हुआ था, जिसकी जांच के लिए एसीबी की टीम कई स्थानों पर जांच कर रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में दो अलग अलग हुए सड़क हादसों में 6 लोग घायल हो गए। सड़क हादसों में घायल हुए सभी को मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। पहला हादसा बरेठा चौकी के पास आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, जहां बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं दूसरा हादसा बोहरा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां आगरा की ओर से जा रहे 2 बाइक सवारों ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। नागौर की मेड़ता सिटी में गणेश महोत्सव के दौरान हुए हादसे का मामला गंभीर होता जा रहा है। शहर में गमगीन माहौल बना हुआ है, बाजार भी बंद है। वहीं राजकीय अस्पताल में भारी भीड़ मौजूद है। फिलहाल परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं। वहीं 5 शवों को अस्पताल में रखवाया गया है। जयपुर के चामू में ज्वेलरी की दुकान मालिक की मंगलवार रात नृशंस हत्या के बाद शहरवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर 2 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने अपराधी की तलाश में कई टीमों को राज्य से बाहर भेजा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जल्द ही पुलिस अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर लेगी। तो वहीं पुलिस ने आज भी कई बाहरी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अपराधी से जुड़े सभी लोगों को ट्रेस करने में लगी है। आपको बता दें कि मंगलवार को हत्या के बाद पुलिस ने मौके से हत्या में काम लिया गया चाकू व चांदी की ईंट को बरामद किया था। झुंझुनू के खेतरी में बवाई सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस थाना खेतरी के अनुसार बुधवार की देर रात्रि में डोगर नाले के पास एक बाइक सवार की किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अजीत अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। वहीं गुरुवार सुबह मृतक की शिनाख्त गढ़ाना हाल बवाई निवासी अलावल लोहार के रूप में हुई है। वहीं अभी तक परिजनों ने रिपोर्ट नहीं की है, तो शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में थर्मल परियोजना की 250 मेगावाट की 4 नंबर इकाई से बुधवार को दोपहर 12 बजे से इकाई के बॉयलर ट्यूब लीकेज होने से इकाई से बिजली का उत्पादन बंद हो गया। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि बॉयलर ट्यूब को ठीक करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। परियोजना की 250-250 मेगावाट की 2, 3, 5 और 6 नंबर इकाई से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
जालौर के भीमाल पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया में भारी गोलमाल किया जा रहा है। भीमाल पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के टेंडर ऐसे अखबार में प्रकाशित कराए जा रहे हैं जिनका प्रसार क्षेत्र में ना के बराबर है। शासनादेश के मुताबिक 10,000 से अधिक खर्च होने वाले विकास कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाया जाना जरूरी है, लेकिन विकास अधिकारी यहां मनमानी कर रहे हैं। जिन कम प्रचलित अखबारों में निविदा प्रकाशन कराया गया उसमें तिथि का अंतर भी काफी कम रखा गया है। ठेकेदारों के मुताबिक ग्राम पंचायतों का टेंडर उसी स्वीकृत कार्य पर निकाला जा रहा है जिस पर अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। नागौर जिले के डीडवाना तहसील के छोटी खाटो इलाके में पीएचडी पानी की टंकी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये पानी की टंकी पुलिस चौकी के सामने है जहां सरकारी स्कूल के विद्यार्थी पानी पी रहे थे, तभी पानी में बदबू आने से विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत स्कूल के अध्यापकों से की। पुलिस ने शव को बाहर निकालने के प्रयास में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, वहीं शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। अलवर के तिजारा क्षेत्र में होंडा कंपनी से निकाले गए श्रमिक 19 सितम्बर से भूख हड़ताल करेंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना अलवर जिले में कारगर साबित नहीं हो रही है। अलवर सांसद महेंद्र चांदनाथ ने निमराणा का रोलवाल ग्राम को आदर्श गांव के लिए गोद लिया था, लेकिन ग्रामीण आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में भी डेंगू व चिकनगुनिया ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। कई मरीजों में इन रोगों की पुष्टि होने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग बेपरवाह नजर आ रहा है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जो कि कई मरीज इससे अभी भी पीड़ित हैं। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू व चिकनगुनिया की जांच की कोई सुविधा नहीं। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई करीब 25 लाख रुपए की आधा दर्जन चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रामगढ़ पुलिस ने 3 कुख्यात चोरों को इसमें गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग ने करीब 25 लाख की चोरियां करना स्वीकार किया है। अलवर के तिजारा में जैन समाज के तत्वाधान में 10 लखनी पर पौराणिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही मेले का आयोजन होगा। सवाई माधोपुर के खंडार में पर्युषण पर्व के अंतिम दिन सामूहिक पूजा हुई, तो वहीं शाम को जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया जाएगा। सवाई माधोपुर के खंडार में न्यायालय के आदेश पर राशन डीलर को बहाल किया जा चुका है। गौरतलब है कि संसदीय सचिव की जनसुनवाई के दौरान एसडीएम ने उन्हें निलंबित किया था। धौलपुर के राजाखेड़ा में सरकार के आदेशों का अधिकारी ही पालन नहीं कर रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में दूसरे दिन भी बीएसएनएल की सेवाएं ठप पड़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के पोखरण में धीमा गति से हाईवे का काम चल रहा है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन एनएचआई विभाग को ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर के पोखरण में प्रेरकों की बैठक जिला साक्षरता अधिकारी राजकुमार विश्नोई की अध्यक्षता में हुई, जहां विभिन्न रिपोर्टों पर चर्चा हुई। करौली के मासरपुर में गंदा नाला बीमारी का कारण बन गया है। बस स्टैंड के पास घरों में रह रहे लोगों के लिए परेशानी बना है, लेकिन पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के जसवंतपुरा के तातोल ग्राम पंचायत के सरपंच ने भामर शाह के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में लोगों ने रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह राम रसोड़ों की व्यवस्था की है, जहां राम रसोड़ों में श्रद्धालुओं के खाने पीने सहित आराम और दवाइयों की भी निःशुल्क व्यवस्था है। जालौर के चितलवाना में भामरशाहों ने पानी से घिरे गांव में जाकर लोगों को मच्छरदानी सहित खाने पीने का सामान वितरित किया जा रहा है। जालौर के आहौर के गुड़ा बालूतान गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से लोगों को आयुर्वेद पद्धति से इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अजमेर के पीसांगन उपखंड के ग्राम रामपुरा डावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्रों का राज्य स्तर हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।